नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी की भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारी जो फैमिली है तकरीबन 1.5 लाख क्रॉस कर गई है। अभी अभी ही 1 लाख के आसपास हुआ था और आते आते अभी 1.5 लाख हो गया। तो ये सब्सक्राइबर्स मतलब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और इतने ज़्यादा इच्छुक लोग हैं जो पाल्मिस्ट्री हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं जो भी हूँ सब आपके ही कारण हूँ, आपकी दुआ आपका साथ के कारण ही मैं आज यहाँ तक टिका हूँ। और ऐसे ही आपका साथ और दुआ रहता गया तो आगे और आगे बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा हम लोग बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वापस बोलता हूँ मैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब आप ही का योगदान है। आप ही ने ही इतना प्यार दिया, इतना माना, इतना जो है मुझ पर बिलीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर मेरा एक दिन में तकरीबन 1000 से ज़्यादा चैट्स होता है, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं जिसके मैसेजेस बहुत सारे होते हैं। तो उनका रिप्लाई दे पाना इतना कोई आसान नहीं होता मुझे कि मैं सबका रिप्लाई दे दूँ, इसीलिए रिप्लाई मिलने में बहुत लेट भी हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़रूर सबको रिप्लाई दिया जाएगा। हैंड एनालिसिस है, टाइम से हमेशा डिले हो जाता है क्योंकि अपनी भी पर्सनल लाइफ है और करते 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 बहुत उसमें डिले हो जाता है, तो थोड़ा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्द से जल्द सबका हैंड एनालिसिस आएगा, उसके लिए कोई टेंशन ना लीजिए। अब मैं सीधे सीधे तौर पर आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितनी वीडियोज़ डाली हैं या जितना भी आपको ज्ञान दिया है तो सिर्फ बेसिक ही है पाल्मिस्ट्री का। वास्तव में देखा जाए तो ये तो बेसिक ही है पाल्मिस्ट्री, बहुत बड़ी दुनिया है अपने आप में। मैंने यही मतलब चाहा था कि अपनी मातृभाषा में आप सभी को बड़े ही सरल लैंग्वेज में मैं ये समझाने की कोशिश करूं, जो कि आप सब ने बखूबी बहुत पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस कारण। दूसरी बात यह है कि मैं 3 सुझाव लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए कि कैसे आप इन 3 उपाय करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है उसको कम करके खुशियां अपने जीवन में भर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं। सर्वप्रथम ये है कि पुण्य प्रताप दान पुण्य करना। सर्वप्रथम क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा अगर जो भी दान पुण्य किया जाता है, दान पुण्य मतलब कोई गरीब है तो उसको हम कुछ दे देते हैं, हमारे यूज़ किए हुए कपड़े जूते या फिर हम अपने पैसे कुछ जो है उनको दे देते हैं। इससे क्या है कि इस महंगाई के ज़माने में भी पता चल जाएगा आपको कि दुआएँ कितनी सस्ती हैं, तो वो दुआएं भी मिलेंगी। दूसरा, आपका जो आत्मा है ये बहुत प्रसन्न होगा। और सर्वप्रथम आत्मा अगर खुद की प्रसन्न है तो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। दान पुण्य करिए जितना हो सके, ऊपर वाला आपको इस काबिल बना देगा कि आप जो है और ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जो हाथ फैलाते हैं वो जिंदगी भर हाथ फैलाते ही रह जाते हैं, परंतु जो हाथ के द्वारा दान देते हैं ऊपर वाला उनको इस काबिल बना देता है कि वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते फिर। दूसरी बात यह है कि धार्मिकता अब जो है बहुत अच्छी मान्यता होती है, मतलब धर्म का परमात्मा से जो कनेक्शन है ये बहुत बेहतरीन होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जितना ज़्यादा मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, आरती करते हैं, उतना ही क्या है कि हमें शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है, ज़िंदगी के तकरीबन हम जो है सारे कष्ट दिक्कत परेशानी भूल जाते हैं और एकदम उसमें ही मगन हो जाते हैं, जिसके कारण सर्वप्रथम मानसिक तनाव दूर होता है, मन को शांति मिलती है और व्यक्ति जो है बहुत अच्छी अपनी जीवन शैली बिता सकता है। तो यही सजेस्ट कर दूंगा कि आप जो है मतलब ऊपर वाले का कहना इस प्रकार है कि अगर तुमने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया तो तुमको किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसका भी बना दूंगा। वास्तव में मैंने ये देखा है और ये जितना भी मैं आपको सब ये बातें बता रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि ये वास्तव में मैंने अपने जीवन में देखा है। मंदिर जाया करें, मंदिर मतलब उनका खुद का घर है, कभी कभार जाया करें, हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम दर्शन करके आया करें, बहुत मन को शांति मिलेगी, बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। तीसरी बात कि जानवरों को पालना, कोई भी जानवर हो, कुत्ता बिल्ली चूहा खरगोश वगैरह, गाय भैंस बकरी कुछ भी हो, आपको जो है जानवर को पालना है यानी खिलाना पिलाना। देखिए क्या होता है कि ये जो जानवर हैं ये अनबोलते जानवर होते हैं, मतलब ये बोल नहीं पाते, ये इंसान नहीं होते कि अपने जो भी फीलिंग्स है उसको हम सबके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। इसीलिए ये जब भी खुश होते हैं, जब भी प्रसन्न होते हैं, और ये प्रसन्न कब होते हैं, जब हम इनको थोड़ा बहुत प्यार दुलार देते हैं या इनको खान पान अच्छा दे देते हैं, तो ये जो है बहुत खुश होते हैं और इनका जो है बहुत अच्छा एक दुआ निकलता है। ये बिल्कुल आप बात मानिए, मतलब इनके अंदर से दुआ निकलता है, वो उस कारण व्यक्ति बहुत फलता फूलता है।
क्योंकि वास्तव में चिड़िया मछली इन सबको पालने के बाद घर में जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है, शांति आती है, समृद्धि होती है। कुत्ता पालने के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है, मतलब इन सब के जाने के बाद दुनिया में जब ये लोग चल जाते हैं, जैसे हम जिसको पाल रहे हैं वो मर जाता है, उसके बाद वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है और उसके जीते जी भी होता है, क्योंकि इनकी जो दुआएं हैं ये सीधे निकलती हैं, ये बहुत मतलब इनका पुण्य प्रताप सबको हासिल होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था आप सभी से मतलब साझा कर लूँ, क्योंकि बहुत बार कमेंट आता है कि उपाय बताएं, उपाय बताएं, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। ये तीन बड़े ही सरल उपाय है, ये अगर उपाय कर ले तो कोई उपाय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे ग्रह खुश, आप प्रसन्न, आप शांति में हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो यही कुछ सुझाव थे और बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से कहना चाहूँगा कि आप सभी का इतना साथ रहा मेरे साथ, और जो भी भूल चूक गलती जाने अनजाने में हो गया हो कृपया क्षमा करिएगा, और यही चाहूँगा कि आगे भी आपका ऐसा ही साथ बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।